उत्पत्ति अध्याय 40, उत्पत्ति अध्याय 40। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलाने हारे और पकाने हारे ने अपने स्वामी का कुछ अपराध किया। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों पर अर्थात पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करा के जल्लादों के प्रधानों के घर के उसी बंदीगृह में जहां यूसुफ बंधुआ था डलवा दिया। तब जल्लादों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ सौंपा और वह उनकी सेवा टहल करने लगा। सो वे कुछ दिन तक बंदीगृह में रहे और मिस्र के राजा का पिलाने हारा और पकाने हारा जो बंदीगृह में बंद थे उन दोनों ने एक ही रात में अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। बिहान को जब यूसुफ उनके पास अंदर गया तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखता है कि वे उदास है। सो उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदीगृह में थे पूछा कि आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास है। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। तब पिलाने हारों का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यो बताने लगा कि मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है और उस दाखलता में तीन डालियां है और उनमें मानो कलियां लगी है और वे फूली और उनके गुच्छों में दाख लगकर पक गई और फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था। सो मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल यह है कि तीन डालियों का अर्थ तीन दिन है और अब से तीन दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले की नाई फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। सो जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर ले आए हैं और यहां भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। यह देखकर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, पकाने हारों के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा है। वह यह है कि मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफेद रोटी की तीन टोकरियां हैं और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं हैं और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा, इसका फल यह है कि तीन टोकरियों का अर्थ तीन दिन है। सो अब से तीन दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवाकर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। और तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था, उसने अपने सब कर्मचारियों की जेवनार की और उनमें से पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान दोनों को बंदीगृह से निकलवाया और पिलाने हारों के प्रधान को तो पिलाने हारे के पद पर फिर से नियुक्त किया और वह फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा, पर पकाने हारों के प्रधान को उसने टंगवा दिया जैसा कि यूसुफ ने उनके स्वप्नों का फल उनसे कहा था। फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा परंतु उसे भूल गया।